इस केंद्र में चर्चा चल रही है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराया जाए दिल्ली के स्तर पे, क्या लगता है ऐसा कर सकती है सरकार? अगर कराते तो हमें कोई तकलीफ नहीं, हमारी पूरी तैयारी है, विधानसभा के भी है लोकसभा के अंदर भी है, और हम लोग मुकाबला करेंगे उनका। ये सरकार कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये सरकार को रहते देश बहुत चिंतित है, लोकतंत्र खतरे में है। फिर बार बार कहता हूँ, संविधान की ध्वजा उड़ रही है, जुडिशरी दबाव के अंदर है, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का, तो मैं समझता हूँ उन अधिकारियों को, डायरेक्टर सीबीआई को, डायरेक्टर ईडी को और चेयरमैन इनकम टैक्स के सीबीडीटी को, उनकी अंतरात्मा पूछना चाहिए, क्या तुम लोग जो ऊपर से आदेश आते हैं, तुम घरों में घुस रहे हो, बिना सोचे समझे घुस रहे हो, बिना रेखी घुस रहे हो, बिना असेसमेंट घुस रहे हो? असेसमेंट करना पड़ता पहले, उसके बाद में घुसा जाता है कि पूरी संभावना है कि जो मतलब करप्शन किया है या इरेगुलरिटी की उसको हम पकड़ेंगे, उसकी बजाय ऊपर के आदेश से आप बार बार घुस रहे हो। घुस जाओ कोई बात नहीं, पर आपकी अंतरात्मा या आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपका परिवार क्या गवाही दे रहे इस बात का? वो सोचने का समय आ गया उनको, उनको चाहिए कि वो ऊपर वालों को जो है दो टूक बात करे कि हम नहीं कर सकते, ये समय आ गया, नहीं आएगा, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा, चाहे आज वो ईडी के डायरेक्टर बने बैठे हों, चाहे वो सीबीआई के डायरेक्टर हों, चाहे वो इनकम टैक्स के सीबीडी चेयरमैन हों। मेरा मानना ही है ये एजेंसी प्रीमियर एजेंसी हमारी है, एजेंसी प्रीमियर है हमारी एजेंसी, हमें गर्व इन एजेंसियों पर है, गर्व होना चाहिए। आज अगर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं रहेगी, करप्शन में जीरो टॉलरेंस नहीं रहेगा, तो क्या कैसे देश चलेगा आगे? उसके लिए बहुत जरूरी एजेंसियों का है, हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं उन लोगों का, तो जिस प्रकार दबाव में काम कर रहे हैं उनके अंदर ध्वनि निकलने लग गई है। जब जाते हैं पहले इशारा कर रहे हैं वहां पर जाकर के, अंदर जाइए हम 15 मिनट बाद आएंगे, आप अपना मोबाइल फोबाइल ठीक कर लीजिए। आप जो नौबत आ गई उनको, उनको समझ में आ रही नहीं आ रही मुझे पता नहीं है, आज बेचारे वो खुद जाते जानते बिना बता रहे हम लोग यहाँ पे तंग करेंगे बिना मतलब, उनके मोबाइल ले लेंगे, उनका पता नहीं क्या क्या करते हैं वो लोग, आज वो खुद जाके इशारा करने लग गए वहां पर, क्यों करने लग गए? इन हालातों में देश की एजेंसी बर्बाद हो रही है, क्या मोदी जी की गवर्नमेंट को नहीं चाहिए? तुम बात करते हो गुरु गुरु बनने की बात कर रहे हो, हम प्रधानमंत्री पद का सम्मान करते हैं, आज बताइए मेरा नाम काट दिया स्पीच में से, आप कोई प्रधानमंत्री की राज्य में जाए पहला रेस्पेक्ट करना पड़ता है वहां के मुख्यमंत्री को, ये संघीय ढांचा हमारा है, आप नाम काटने के साथ कैसे कर लिया आपके लोगों ने? मैंने पत्र लिखा कर उनको, जांच करवाओ इसकी आप, अगर ये सिस्टम ऐसे ही रहा तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा? ये सोचने वाली बात है प्रधानमंत्री जी को कि अगर वो चाहें कि, और फिर भी मैं जुड़ा उस दिन, मेरा नाम कटने के बाद ही मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जुड़ा, वहां पर बैठा रहा, मैं लिस्टिंग मोड पे बैठा रहा, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कायम रखना है, मुझे प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बनाए रखना है देश के लिए, देश हित के लिए, ये मैंने किया उस दिन। कैलाश मेघवाल के बयान पे क्या कहेंगे सर, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया? वो आरोप उनका लगाया हुआ बिल्कुल वो ठीक बोल रहे हैं, हम उन्हें जांच करवा रहे हैं, मुझे मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा करप्शन हुआ इनके वक्त में, दबा दिया गया उसको, हाईकोर्ट से इसे ले रखा इन लोगों ने, और किसी ने परवाह नहीं करी, हम तो पीछे की पड़ते नहीं है, हम जुडिशरी में आरपीएससी के अंदर एसीबी के अंदर मैं कभी इंटरवेन नहीं करता हूँ, मैं मेरी लाइफ के अंदर कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, मेरा ये शुरू से मेरा फितरत है मेरी रही है, और ना करना चाहिए किसी को। हमने कई हाईकोर्ट जज बनवाने में मदद करी होगी, आज 50-25 साल पहले हाईकोर्ट जज बनते थे, मुख्यमंत्री बनाते थे, रिकमेंडेशन देते थे, कोई जमाना होता वो जमाना में देखा है, हम भी पार्लियामेंट में थे, केंद्रीय मंत्री थे, कई सिफारिशें होती थी, हमने कई सिफारिशें करी होगी मान लो, उन सिफारिशों के कई वैल्यू हुई भी होगी, कई जज बन गए होंगे, जज बनने के बाद मैंने जिंदगी में भी बात नहीं करी उन लोगों से, तो मैं मेरे अप्रोच रखता हूँ खुद की। आज जो बताइए इतना करप्शन हो रहा है जुडिशरी के अंदर, इतना भयंकर करप्शन है, कई वकील लोग तो मैंने सुना है लिख के ले आते हैं जजमेंट, और जजमेंट वो आता है क्या हो रहा है जुडिशरी के अंदर, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, हालात बड़े गंभीर हैं, ये देशवासियों को सोचना चाहिए, और सरकार अगर ईमानदारी से काम करना चाहती है, अगर आरएसएस के अंदर जो अपना आपको चाल चले चेहरे की बात करते थे लोग,
लोग विश्वास करते थे भाई आरएसएस जो है ये संगठन अलग तरह का संगठन है, हम अलग दिखने वाले लोग हैं, खुद कहते थे आल में चाल चेदे चरा कहाँ चला गया, ना बीजेपी का है ना आरएसएस का है, हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, नहीं सुनेंगे हिंदू 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 बात करके, हिंदुओं के लिए हमने जो किया कोई नहीं कर सकता, गाय माता के लिए जो हमने फैसला किया 500 करोड़ रुपए दिए वसुंधरा जी की गवर्नमेंट ने, हम 3000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं उनके लिए गौशालाओं के लिए, हम लंबी रोड में 40,000 रुपए दे रहे हैं गायों को, कौन देश में कौन दे रहा है, हम काम धंधे योजना लेके आ रहे हैं उनके लिए, मंदिरों के निर्माण का काम हम कर रहे हैं, 100 करोड़ दे दिए हमने यहाँ पर गोविंद जी के मंदिर में, यात्रा भर में रिलीजियस टूरिज्म बढ़ा रहे हैं हम लोग, हमारे देवस्थान के मंदिर है उनका जीर्णोद्वार हो रहा है, सारे काम हम लोग कर रहे हैं, संस्कृत को प्रमोट हम कर रहे हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी किसने बनाई हमने बनाई, स्कूल बन रही है, वैदिक विद्यालय बन रहे हैं, सब हम कर रहे हैं, और हिंदुत्व की बात वो करेंगे कि हम लोग करने का अधिकार नहीं रखते हैं क्या, इनकी पोल खुलती जा रही है, पोल खुलती जा रही है, और मेरा मानना है कि अगर इस प्रकार की इनके रवैये रहा तो इनका मिजाज जनता कब बदल जाए पता ही लगता है, ये जनता बहुत होशियार है, उनका दिमाग बहुत चलता है, वो चुप रहती है, अनपढ़ हो सकती है, कम पढ़ी लिखी हो सकती है, बार बार कहता हूँ उनका सेंस जो है रॉबर्ट सेंस वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अच्छे अच्छों के चुनाव में वाजपेयी गवर्नमेंट चली गई पता नहीं लगा,